डेरा सच्चा सौदा के शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग के सेवादारों ने जिला स्तरीय कार्यक्रम के तहत 250 जरूरतमंद लोगों को सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े व जूते देकर उनकी मदद की। कार्यक्रम में जगाधरी ब्लॉक के निवर्तमान चेयरमैन शशि दुरेजा मुख्य अतिथि व नगर निगम पार्षद रानी कालड़ा विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंची। इस मौके पर मुख्य अतिथि चेयरमैन शशि दुरेजा ने कहा कि वे अक्सर डेरा सच्चा सौदा के कार्यक्रम में जाते रहते हैं। उन्होंने देखा कि पूज्य गुरु जी की प्रेरणा से ये सेवादार सेवा के बेहतरीन कार्य करते हैं और आज इन्होंने सर्दी के मौसम के चलते सैकड़ों लोगों को गर्म कपड़े वितरित किए हैं। वहीं कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रोन वायरस के बढ़ते प्रकोप के चलते कार्यक्रम में आए सभी लोगों को मास्क वितरित किए गए व उससे बचने के लिए जागरूक किया गया। इस दौरान 45 मेंबर चमनलाल इंसा ने कहा कि डेरा सच्चा सौदा मानवता भलाई के कार्यों में अग्रणीय है और अब सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो रेलवे स्टेशन, झुग्गी झोपड़ी व फुटपाथ पर जीवन यापन करते हैं, जिनके पास सर्दी से बचने के लिए साधन नहीं होते। ऐसे लोगों की मदद के लिए उन्होंने आज यमुनानगर के दशहरा ग्राउंड में गर्म कपड़े, कंबल, जर्सी, टोपी, चुराब व जूते वितरित किए। वहीं इसी मौके पर वशिष्ठ अतिथि डिप्टी मेयर रानी कालड़ा ने कहा कि डेरा सच्चा सौदा की ये साथ संगत जो मानवता भलाई के कार्यों में अग्रणीय है, आज जरूरतमंद लोगों को गर्म कपड़े वितरित कर रही है, यह सराहनीय है। वहीं उन्होंने लोगों को कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रोन से बचने के लिए जागरूक किया। डेरा सच्चा सौदा ने गरीब परिवारों को या जो फुटपाथ पर हमारे भाई बहन रहते हैं उनके लिए गर्म वस्त्र वितरण का काम किया। उनको जूते, चप्पल, कंबल, कपड़े वितरण किया है जिससे कि सर्दी में उनको दिक्कत ना हो। साथ में हमने जो आजकल वायरस चल रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है, उसके लिए हमने मास्क वितरण, सैनिटाइजर वितरण किया इनको, ताकि वायरस का प्रकोप इनको पर ना पड़े। जो डेरा सच्चा सौदा की साथ संगत है, इन्होंने ये परमार्थ का काम चलाया हुआ है। ये गरीब लोगों को, गरीब बच्चों को कुछ ना कुछ हर इस महीने में, ये जो मंथ है इनका, ये परमार्थ का मंथ होता है, तो इसमें ये कुछ ना कुछ सेवा सब संगत मिलकर करती रहती है। देखिए, कोरोना की दो लहर निकल चुकी है, तीसरी का अब खतरा बना हुआ है, उसके लिए भी ये साथ संगत बहुत कुछ करती है। इन्होंने सभी जो भी यहाँ पे गरीब लोग बुलाए हुए थे, सभी को मास्क, सैनिटाइजर सब कुछ दिया ताकि ये अपना बचाव कर सके। ये सबको यही कहते हैं कि अपना बचाव रखिए। गरीब किसी बेटी की शादी होती है तो हमारे पास आइए, हम उसका पूरा सहयोग करेंगे। सबके साथ मिलके चलते हैं ये साथ संगत, बहुत इनका धन्यवाद करते हैं। हमें भी इन्होंने बुलाया तो हमारे हाथों से भी इन्होंने एक अच्छा काम करवाया, तो हम इनके बहुत आभारी हैं। मानवता की सेवा में, इंसानियत की सेवा में हमेशा से अग्रणी रहा है, चाहे वो खूनदान हो, चाहे वो प्लांटेशन हो, चाहे किसी गरीब की, जरूरतमंद की किसी प्रकार की भी मदद हो, डेरा सच्चा सौदा उसमें सदगुरु की प्रेरणा से बढ़ चढ़ के भाग लेता है। आज सदगुरु के प्रेरणा अनुसार ही सर्दी का मौसम है, तो ऐसे कितने अपने जरूरतमंद गरीब तबका है जो अपने गर्म कपड़े भी नहीं खरीद पाता, तो ये झुग्गी झोपड़ी से, फुटपाथ से, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पे जो अपना ऐसे ही रात गुजारने में मजबूर होते हैं, उनसे संपर्क किया और उनको आज यहाँ पे लेके आए हैं। तकरीबन 200 के करीब यहाँ पे इस तरह व्यक्तियों को, अपनी बहनें, भाई जो हैं, उनको साथ संगत की तरफ से गर्म कंबल, गर्म जर्सी, कैप, शूज़, शॉक्स वो वितरित किए जा रहे हैं। तो क्योंकि इंसानियत की सेवा ही बड़ी सेवा है, तो इसलिए आज साथ संगत काफ़ी संख्या में यहाँ पे, जो ग्रीननेस वेलफेयर फोर्स विंग, जो केवल सतगुरु ने मानवता की सेवा के लिए, इंसानियत की सेवा के लिए बनाया है, उनके बहन भाई आज यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और ज़रूरतमंदों को अपना उसमें पैसा लगा के, अपना उसके अंदर परमार्थ करके उनकी सेवा में आज लगे हुए हैं। कोरोना के लेके एक मैसेज दिया गया कि सभी ने, जैसे ही अब ये ओमिक्रॉन जो है अब आ रहा है, इसकी संभावना बढ़ रही है और बहुत ही घातक है, भाई इससे सभी ने अपना सचेत रहना है, अपने मास्क का प्रयोग करना है और सैनिटाइजर का प्रयोग करना है। हाँ, आज यहाँ पे मास्क सभी को दिए गए हैं, सैनिटाइजर दिए गए हैं, ताकि उसका वो प्रयोग करके और इससे सुरक्षित रहें।